प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सहायक आचार्य योग ज्ञान विभाग। आज नेट जेआरएफ की सीरीज में कर्मयोग हम पढ़ने जा रहे हैं। कर्मयोग का हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और कर्मयोग क्या होता है, इसका पूरा बेसिक जो भी है और नेट के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम पढ़ेंगे। नेट में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट जो कर्मयोग से संबंधित श्लोक हैं, तो उससे संबंधित आपको कोई भी जो है श्लोक का पाठ दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या है या कौन सा नंबर है या किस पाद से है। सो इस तरह से करके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। कर्मयोग के हमने पिछली क्लास में ज्ञान योग पढ़ा था। योग के तीन प्रकार हम जानते हैं, ज्ञान योग या कर्मयोग और भक्ति योग, जिसमें हम आज कर्मयोग पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं एक मनुष्य बिना कर्म किए कभी रह नहीं सकता, एक क्षण भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। ऐसा गीता भी वर्णन करती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही हमको उसका फल प्राप्त होता है। यानी हम जितना भी कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही प्राप्त होता है, बस हमें उसमें अपनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, फल के अंदर हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और ऐसे फल से जो इच्छा से युक्त कर्म होते हैं, ऐसे वो निष्काम कर्म नहीं होते, यानी वो बंधन के कर्म होते हैं जो हमें बांधने का कार्य करते हैं। तो कोई सुखी है इस संसार में या कोई दुखी है, ये सिर्फ हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। या आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा अगर किसी परिवार में पैदा होता है तो वो जन्म से पहले ही अमीर या गरीब हो जाता है। तो ये सब हमारे पूर्व जन्म का पूर्व कर्मों का संस्कार होता है जो हमें जो है उन्हें जन्म मिल करके प्राप्त होता है। ऐसे ही पूर्व जन्म के संस्कार हमारे मुख्यतः कारण होते हैं हमारे जीवन के लिए। सो वही कर्मयोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट माना गया है। और योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सती मूले तद्वि पापो जातिर्भोगः। ये योग सूत्र का दूसरे पाद का 13वां सूत्र है। यानी मनुष्य के क्लेश के मूल कर्म संस्कार के विद्यमान करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी जब तक हम अपने कर्म के क्लेशों के मूल और कर्म संस्कार हमारे चित्त में समाहित रहते हैं तो वो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देते। और साथ में मनुष्य को जाति आयु और भोग पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं, ऐसा भी इसमें बोला गया है। यानी हमारे जो कर्म है वो हमारे जाति आयु और भोग के अनुसार ही हमें प्राप्त होते हैं और कर्म संस्कार के कारण ही हमारा सब कुछ होता है। यानी जो भी हम सुख दुख भोगते हैं वो हमारे कर्मों का ही संस्कार होता है। अब हम बात कर लेते हैं कर्म योग किस शब्द का अर्थ क्या है। कर्म योग कृ धातु से बना है संस्कृत में और इसका क धातु में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति इसमें मानी गई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया करना। कर्म का मतलब क्रिया करना या हलचल करना या कोई मूवमेंट करना या हमारा भाग्य या प्रारब्ध, इसको हम जो भी कहना चाहें इसका अर्थ ये कह सकते हैं। कर्म शब्द का जो तात्पर्य है वो कार्य से माना जाता है। यानी हम जिस भी क्षण हम कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं वो कर्म कहलाता है या क्रिया कहलाती है और उसी से हम कर्म का मतलब समझ सकते हैं। संसार में हर व्यक्ति कर्म करता ही करता है, उस कर्म का हमें फल भी जरूर मिलता है। यानी या तो वो सुखदायी कर्म होगा या दुखदायी कर्म होगा, उसका जो संस्कार है वो हमारे चित्त में समाहित हो जाता है और हमें सुख दुख का कारण बनता है। वहीं गीता में जो है कर्म की परिभाषा भी बताई गई है, योगः कर्म सु कौशलम्। कर्म योग के बारे में योग की परिभाषा बताई गई है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। और ये हमारा दूसरे पाद का 50वां सूत्र इसमें बताया गया है। यानी कर्मों में जब हम 100% अपना 100% देने लगते हैं तो वही जब हम कर्मों को उचित ढंग से उसको संपन्न करने लगते हैं, यानी जिस ढंग से वो कार्य किया जाना चाहिए, तो वही कर्मयोग कहलाता है। वहीं कर्मयोग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बंधने वाले कर्म नहीं करता। जब वो कर्मयोग का पालन करता है तो वो ऐसे कर्मों का पालन करता है जो उसको बंधन का कारण नहीं करते। यानी अगर हमारे कर्मों में हमारे फल की इच्छा छुपी है तो वो जो है जो कर्म होंगे वो बंधन का कारण बनेंगे और वो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करने देंगे। यानी मोक्ष की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो हमें निष्काम कर्म का पालन करना होगा, कर्मयोग का पालन करना होगा, ऐसे मार्ग पर चलना होगा और जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। वहीं गीता निष्काम कर्मयोग के बारे में विशेष चर्चा करती है। ऐसे कर्म का वर्णन श्री कृष्ण जी कहते हैं इसके बारे में कि जो कर्म बिना किसी फल के
किए जाते हैं, ऐसे कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं और ऐसे कर्म मोक्ष का कारण बनते हैं, यानी मोक्ष फलदायी होते हैं, हमें मोक्ष हमें प्रदान करते हैं। यदि उसमें कोई भी निहित हमारा नहीं छुपा होता, कोई भी इच्छा हमारी नहीं छुपी होती, तो ऐसे कर्म हमारे मोक्ष का कारण बनते हैं। वहीं कर्मयोग के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भाई कर्मयोग का उद्देश्य श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों को करते हुए, उचित ढंग से करते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है। हम जो भी तप कर्म करते हैं वो सब हमारा जो है मोक्ष के कारण बनते हैं, यानी हम श्रेष्ठ कर्म करते हुए जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो हमें वो निश्चित ही हमें कैवल्य की प्राप्ति कराते हैं। और गीता में ये वर्णन भी कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युजस् योगः कर्मसु कौशलम्। ये हमारा 50वां सूत्र है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो इसमें बुद्धि से युक्त मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से आसक्ति का त्याग कर देता है, यानी बुद्धि से युक्त जब कोई भी व्यक्ति अच्छे बुरे कर्मों को त्याग कर आगे बढ़ता है, ऐसे कर्मों को करता है, तो वो जो है कुशल कर्म कहलाते हैं, श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं, और ऐसे कर्म ही हमारे मोक्ष का कारण बनते हैं। और ऐसे कर्मों की साधना करने से हमारा मलिन कलुषित चित्त जो है वो शुद्ध होने लगता है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारा जो कलुषित मन होता है, चित्त होता है, वो पवित्र होने लगता है, श्रेष्ठ होने लगता है, और उसके अंदर कोई भी कालापन नहीं रहता है। वहीं हमारी नियत जो हम कर्म करने लगते हैं वो हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। कर्मयोग के भेद भी बताए गए हैं। कर्मयोग के बारे में दो प्रकार के कर्म मुख्य रूप से शास्त्रों में बताए गए हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। तो विहित कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो सुकृत कर्म कहलाते हैं, वहीं निषिद्ध कर्म जो है दुष्कृत कर्म कहलाते हैं। विहित कर्म ऐसे कर्मों को कहा जाता है जो अच्छे कर्म होते हैं, यानी विहित कर्म के भी चार भाग बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। ऐसे चार कर्म बताए गए हैं। नित्य कर्म के अगर हम बारे में बात करें तो ऐसे कर्म जो हम डेली बेस पे करते हैं, यानी वह कर्म जो हम प्रतिदिन करते हैं, डेली रूटीन में करते हैं, ऐसे कर्मों को जो है नित्य कर्म कहा जाता है, जो प्रातःकालीन जो उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक जो हम सभी कार्य करते हैं तो वो हमारे सभी जो है नित्य कर्म कहलाते हैं। नैमित्य कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो किसी निमित्त विशेष किए जाते हैं, या किसी त्यौहार के संबंधित किए जाते हैं, या उनका कुछ ना कुछ जो है हेतु छुपा होता है, यानी उसमें यज्ञ, हवन, दान, या कभी कभी जो है मृत्यु के ऊपर जो है दाह संस्कार करते हैं, ऐसे कर्मों को जो है नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। पुत्र जनन पर जो है जात कर्म करते हैं हम लोग, और उपनयन संस्कार जो हम कर्म करते हैं वो भी हमारे नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, यानी जो किसी निमित्त विशेष किए जाते हैं ऐसे कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। वहीं तीसरे कर्म की ओर बढ़ते हैं, काम्य कर्म। ऐसे काम्य कर्म ऐसे कर्मों को कहा जाता है जो हमारी जो विशेष इच्छा स्वरूप हमें किए जाते हैं, जिनको हम विशेष इच्छा के स्वरूप उनको पूरा करते हैं, और जैसे जो है दान, यज्ञ, तप या वर्षा हेतु यज्ञ भी करते हैं हम लोग, और किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु कुछ यज्ञ करते हैं, या अकाल पड़ने के लिए हम वर्षा के लिए यज्ञ करते हैं, या दान के स्वरूप हम कोई कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म जो है हमारा काम्य कर्म कहलाते हैं। अगले कर्म की ओर बढ़ते हैं, प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो उनकी ग्लानि करने हेतु, उनके पुण्य ताकि हमें प्राप्त हो जाए, और उन पाप कर्मों का जो है बोझ हमसे उतर जाए, ऐसे कर्म जब हम गंगा नहाने जाते हैं या कुछ और भी कर्म करते हैं तो ऐसे कर्मों को जो है प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। जन्मांतरों के जो पाप कर्म के वशीभूत जो हमें पाप कर्म किए हैं उनके वशीभूत होकर जो कार्य हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, ऐसे कर्मों को हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं। वहीं दूसरा भाग निषिद्ध कर्म जो है हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिनका हमारे शास्त्रों में जो है निषिद्ध माना गया है, अच्छा नहीं माना गया, उनको करने की जो है निषेध माना गया है, और ऐसे कर्मों को ही हम निषिद्ध कर्म कहते हैं। ऐसे कर्म जिन्हें हमारी अंतरात्मा भी स्वीकृति नहीं करती है, उनको स्वीकार नहीं करती है, ऐसे कर्म जो है निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलना, अच्छा व्यवहार करना, हिंसा नहीं करना, हिंसा, और ये सारे निषिद्ध कर्म कहते हैं। और
चोरी इत्यादि जो ये सभी कर्म आते हैं हमारे बुरे कर्म कहलाते हैं, निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, जिनमें हमारी शास्त्र हमारे हमें आज्ञा नहीं देते वैसे कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। वेदांत भी कर्मों को तीन प्रकार से मानता है, और पहले कर्म जो है संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हमारे जन्म जन्मों के कर्म संस्कार हमारे चित्त में समाहित होते हैं, जिनका फल हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे कर्म जो भी हम करते चले जाते हैं वो संचित कर्म होते चले जाते हैं, तो उनको संचित कर्म माना गया है। वहीं दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं वेदांत के अंतर्गत प्रारब्ध कर्म माने गए हैं। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे पुराने जो कर चुके हैं ऐसे कर्मों को हम जो है प्रारब्ध कर्म कहते हैं। जीवन में सुख व दुख का जो फल की प्राप्त होते हैं हमें, जो भी हमें फल सुख दुख का प्राप्त होता है वो हमारे पुराने प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत ही होता है। यानी जिन कर्मों को हम कर चुके हैं ऐसे कर्म प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, और उनके अंतर्गत ही जो हमें भोग दिलाने का काम करते हैं, भोगने का काम प्रेरित करते हैं ऐसे कर्मों को हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वहीं वेदांत तीसरा कर्म जो है क्रियामान कर्म मानता है। क्रियामान कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो आगामी आने वाले हैं, जिनको अभी हमने नहीं पूरा किया है। आगामी आने वाले कर्मों को हम क्रियामान कर्म कहते हैं। जिन कर्मों का अभी आरंभ नहीं हुआ हो ऐसे कर्मों को हम क्रियामान कर्म कहते हैं। यानी जिन कर्मों को आगे करने वाले हैं और जिनका फल हमें भविष्य में प्राप्त होगा ऐसे कर्मों को हम क्रियामान कहते हैं। वहीं गीता तीन प्रकार से कर्मों को मानती है, कर्म अकर्म विकर्म। तो कर्म ऐसे कर्मों को कहा जाता है जिसमें जो वेद विहित कर्म होते हैं, जिनमें वेद हमारी जो है आज्ञा देते हैं कि उन कर्मों को जिन कर्मों को हमें करना चाहिए ऐसे कर्म कहलाते हैं। वहीं अकर्म से अभिप्राय कर्म का अभाव, यानी जहाँ पर अकर्मण्यता होती है, जहाँ पर कर्म नहीं होता वहाँ पर जो है अकर्म जो है मौजूद होता है। जहाँ पर हम आलस्य के वशीभूत होकर खाली बैठे रहते हैं, या जब हम किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होते, तो ऐसे कर्मों को अकर्म कहा जाता है। वहीं तीसरे कर्म हमारे विकर्म कहे जाते हैं। यानी विकर्म ऐसे कर्मों को कहते हैं जो अविहित कर्म होते हैं, जिन कर्मों से शास्त्र सम्मत नहीं है, या जो निषिद्ध कर्म है बेसिकली, ऐसे कर्मों को जो है निषिद्ध कर्म कहा जाता है। तो तीन प्रकार के कर्म हमारे गीता में बताए गए हैं। योग सूत्र के अनुसार अब हम कर्म डिस्कस करेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कैवल्य पाद में कर्मों का वर्णन किया है, और इसमें सूत्र आता है एक चौथे पाद का सातवां सूत्र है, कर्म शुक्ल कृष्णम योगिन विस्तृ वित्रेशम। यानी इसमें ये कहा गया है कि कर्म जो है हमारे चार प्रकार के बताए गए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल के कृष्ण कर्म और अशुक्ल कृष्ण कर्म, ये चार प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहले कर्म हमारे शुक्ल कर्म होते हैं, जिन्हें वेदों में बताया गया विद्या के अनुसार श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, सुख की प्राप्ति हमें कराते हैं, ऐसे कर्म हमारे शुक्ल कर्म होते हैं। वहीं कृष्ण कर्म हमारे निषिद्ध कर्म कहे गए हैं, पाप कर्म कहे गए हैं, जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं, ऐसे कर्मों को हम कृष्ण कर्म कहते हैं। वहीं तीसरे शुक्ल कृष्ण कर्म ऐसे कर्मों को कहते हैं जो कुछ पुण्य कर्म हो तथा कुछ पाप कर्म हो, ऐसे मिश्रित कर्मों को शुक्ल कृष्ण कर्म कहा जाता है। इन मिश्रित कर्मों से ही पुण्य मनुष्य जन्म में मिल जाता है। मनुष्य जन्म जो है मिश्रित कर्मों के अनुसार मिलता है, यानी शुक्ल कृष्ण कर्मों के करने के पश्चात ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है, मनुष्य योनि मिलती है। तो ऐसे कर्मों को मिश्रित जो है कर्म कहा जाता है। वहीं अंतिम कर्म हमारा जो है अशुक्ल कृष्ण कर्म कहा जाता है। ऐसे पाप कर्म व पुण्य कर्म तथा मिश्रित कर्म से हटके जो कर्म होते हैं, जो है निष्काम कर्म कहे जाते हैं, ऐसे कर्मों को कर्म जो है जिनसे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, तो ऐसे कर्मों को ही हमें जो है अशुक्ल कृष्ण कर्म कहा गया है। तो ऐसे कर्मों को साधक को करना चाहिए। ऐसे कर्मों को अगर साधक करता है तो उसे शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वो निष्काम कर्म करने लगता है, और वो मोक्षगामी हो जाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति करने में वो सफल हो जाता है। तो ऐसे कर्मों को जो है अशुक्ल आकृष्ण कर्म कहा गया है। तो यही कर्मों के बारे में चर्चा की गई है, और इसमें महत्वपूर्ण सूत्र मैंने आपको बताए हैं। वेदांत के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार और गीता के अनुसार कर्म के बारे में किस तरह से विभाजन किया गया। उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आपको ये सब समझ आया होगा कर्मयोग के बारे में। कर्मयोग यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट के अंदर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें श्लोक के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इस तरह से जर्नी पूरी हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही आप जो है एक एक टॉपिक क्लियर करते रहें, आपके बेसिक्स
अच्छे होते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।